खत्म हो जाऊंगा, मेरी लिस्ट खत्म नहीं होगा, शायद मैं मेरे बच्चों को भी इस बिजनेस में लाऊंगा, उनको बोलूंगा ये लिस्ट को खत्म तू करेगा। देयर आर 80% पीपल वर्क फॉर ओनली नीड्स। मतलब मैंने देखा है साहब, आते हैं बड़े बनने के लिए लेकिन यहां पे काम करते हैं जैसा जॉब करते हैं। मतलब किसी ने कहा इतना करना है तो हो गया, खत्म उनकी बात, उसके आगे भी कुछ होता है ये लोग सोचते ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 80% पीपल वर्क फॉर नीड्स, 20% पीपल वर्क फॉर ड्रीम्स एंड गोल्स। मतलब वो रुकते नहीं है। मैंने जब जब देखा है कुछ काम करना है हमारे टीम के अंदर, कंपनी के अंदर, बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ सर करता हूं ना सर, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कोविड सिचुएशन जाने दो। कसम खुदा की, कसम भगवान की, कसम भवानी की साहब, सबसे ज्यादा सेल्स मेरा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये तकलीफ जाने दो। एक्सक्यूज देना शुरू करेंगे वही 20% पागल लोग, बोलेंगे सर अभी तो सबसे बढ़िया मौका है, पहले तो लोग साला घर पे नहीं मिलते थे, अभी तो घर के सिवाय किधर मिलते ही। देव ऑलवेज वर्क फॉर कमिटमेंट, ऑलवेज वर्क फॉर कमिटमेंट। उन्होंने बोला सर करूंगा तो करूंगा, और 80% लोग एक्सक्यूज देना शुरू करते हैं, जो ऑलवेज हैव कंप्लेंट्स, ऑलवेज हैव कंप्लेंट्स, एंड 20% पीपल ऑलवेज हैव सॉल्यूशंस। बहुत सारे लोग आज भी कंप्लेंट करना शुरू कर रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, उस कोरोना के बारे में। साहब मैं बोलता हूं, कौन कहता है कोरोना आज से पहले 2020-19 में है साहब। इस बीमारी का नाम भी इतना भयानक है, कोरोना। आप जरा ऐसा पढ़ोगे ना, कोरोना मतलब रोना। आज से 50 साल भी हम रो रहे थे। अगर आज एचएचआई में सक्सेसफुल और सिस्टम के साथ नहीं काम करेंगे तो आज के 50 साल के बाद भी रोना शुरू करेंगे आप। कौन कहता है साहब 2019 में कोरोना है, हमारे जिंदगी में तो साला 500 साल से कोरोना चालू है। मैं बताऊंगा अभी कोरोना से भयानक बीमारी आने वाली है कुछ दिनों के बाद। तो ये 80% लोग ऐसे होते जो कंप्लेंट के सिवाय कुछ करते ही नहीं, और 20% सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते। उनके साथ भी कंप्लेंट होती है, उनके साथ भी तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ के ऊपर ध्यान देते नहीं, वो सोल्यूशन के ऊपर ध्यान देते है। 80% आइटम लोग बोलते सर अभी मैं घर के बाहर नहीं जा सकता हूं तो मैं कैसा सेल करूंगा। 20% लोग बोलते सर मैं नहीं जा सकता हूं ना, लेकिन जूम के माध्यम से जा सकता हूं, किसी को रिक्वेस्ट करके जा सकता हूं, सर मैं एक परमिशन लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं 4 लोगों के घर में दिन में जाऊंगा, डिस्टेंस सोशल के साथ मैं डेमोन्स्ट्रेशन तो कर सकता हूं। वो लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने देखा बाद में ये काम को 80% लोग दो जोरदार से करेंगे, धरेंगे वंदे मातरम भारत माता की जय, और उनको पूछेंगे आप क्या आप जाना चाहते हो नंबर 1 पोजीशन पे, तो यस बोलेंगे और शुरू भी करेंगे। मंडे को इनको अगर हमने भवानी की कसम दी, भगवान शिव की कसम दी, तो एकदम तिलक लगा के ये लोग शुरू करते हैं। लेकिन ये मंगलवार को ना जो 100% एनर्जी होती है उनका 80% हो जाता है, बुधवार को साला 60% पे आ जाता है, और संडे आते आते इनका साला एनर्जी डाउन, इनको ढूंढना पड़ता है गए किधर ये लोग। तो ऐसे लोग होंगे आपके टीम में जो भवानी की कसम खाएंगे, करेंगे वरेंगे धरेंगे मरेंगे कुछ और बोल के करेंगे, और 10-20% काम करके छोड़ देंगे। लेकिन ये 20% लोग एक बार स्टार्ट किया तो जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। और इनको पता चला कि फॉलो अप करना बहुत जरूरी है सेल्स में, तो या तो कस्टमर चिल्ला के बोलेगा भाई तू लाके दे लेकिन मेरी जान छोड़ अभी, तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए लोग कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, लिख के लीजिए साहब। मेरे ट्रेनिंग करियर में मेरे बहुत सारे आए थे दोस्त ट्रेनिंग में, लेकिन वो सबके सब सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि मुझे एक बात पता चला, बदलाव किया उन्होंने लेकिन किस काम को शुरू किया था उस काम को अंजाम तक लेके नहीं गए। और मुझे पता है साहब एचएचआई में भी बहुत बढ़िया लोग हैं जो जुड़े तो है लेकिन अभी भी उन्होंने शुरुआत नहीं की है, अभी भी उस राह में बैठे है, ये कोविड जाएगा और मैं चालू करूंगा। बेटा सुन ले, ये कोरोना जाएगा ना तो कोई और भयानक बीमारी आने वाली है। ये बीमारी का सिलसिला तो हमें रुकने वाला नहीं हिंदुस्तान में। लोग शारीरिक बीमार कम है और मानसिक बीमार ज्यादा है, तो कौन कहता है बीमारी खत्म होगा।
कभी तुम्हें शारीरिक बीमारी के ऊपर काम करना पड़ेगा, कब मानसिक बीमारी के ऊपर। और हमारे हिंदुस्तान में तो साला मानसिक बीमारी ज्यादा है, तो कौन कहता है कि कोरोना के बाद बीमारी नहीं रहेगी। तो इसके लिए बीमारी के साथ, इस सिचुएशन के साथ काम करना, वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं, तरीका ढूंढना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा 80% लोग कभी रूल को फॉलो नहीं करते, और ये 20% रोज जो लोग है ना, तो उनको पता है कि मैं रूल को फॉलो करके ही सक्सेसफुल बन सकता हूं। दे विल फॉलो 100%। अगर कंपनी ने कहा ये जूम मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है और रूल है कि हर दिन हमारा 8 से 10, जैसा महाभारत रामायण चलता था आज से कई साल पहले, लोग काम धाम छोड़ के टीवी के सामने 8:30 से बैठ जाते थे, तो कुछ लोगों को पता है ये 8 से 10 हमारा सत्संग है सक्सेस का, 8 से 10 हमारा जिंदगी का एक नया पैमाने का तरीका है, जिंदगी की सक्सेसफुल सीरियल है हमारी। मतलब जूम मीटिंग मतलब अपने ही शादी में जाना, ऐसा अगर किसी कंपनी ने रूल बनाया, अगर अपने ही शादी में जाना ये रूल है, तो उसको कोई और के साथ थोड़ी शेयर कर सकते, दूसरे को थोड़ी भेज सकते, हमको ही जाना पड़ेगा। तो ये 20% लोगों को अभी परफेक्ट फिट हुआ, घर के बाहर नहीं जा सकते, घर में ही बैठ के जूम अटेंड करना है मतलब करना है, अपने ही शादी में इन्वॉल्व होना, ऐसे ही बात है। तो ये 80% लोग रूल फॉलो नहीं करते, इनको कहां ना ये करना है तो ये सारे सवाल पूछते जाता है, ऐसा ही क्यों, अभी ही क्यों, बाद में नहीं चलेगा। ये 20% लोग सर अभी करना है, डन, सिर्फ तरीका बता दो, सिर्फ तरीका बता दो, मुझे पता नहीं, ये तरीके से मैं करूंगा और आपकी बात को मैं फॉलो करूंगा। मैक्सिमम टाइम ये 80% लोग सोचते रहते हैं, हाँ करता हूं ना सर, रुको ना सर, लेकिन 20% पागल लोग एक बार सोच लेते हैं, तरीका जान लेते हैं और काम को शुरू करते हैं, काम को रुकाते नहीं है। अगर आज के बाद मैं आपको एक लास्ट में, जब जाने से पहले मैं कुछ चंद एक्शन पॉइंट देना चाहता हूं कि ये करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो कुछ लोग है ना 10 बजे के बाद टीवी को ऑन करेंगे, बोला साला ये तो टीवी थी नहीं, चैनल तो बदली नहीं कर सकता, साला 2 घंटा एक ही आइटम को देख रहा था, अभी छोड़ो टीवी देखते, आधा घंटा खाना खाते, बहुत हो गया सुन सुन के। 20% लोग बोलेंगे छोड़ दो, खाना खाएंगे, 10:30 को काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काम करने के लिए दिन रात कभी होता नहीं, चला जिद होती है। ये रात 12 बजे से पहले जो एक्शन प्लान दूंगा ना, वो 4-5 या 20% लोग, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, 12 से पहले वो काम करके सोएंगे नहीं 12 से पहले। तो बात आती है सोच से नहीं, सोच के बाद एक्शन की आती है। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में आज हम अनसक्सेसफुल ज्यादातर लोगों को देखते, इसके लिए सोचते ज्यादा है करते कम है। सोचना जरूरी है लेकिन करना उससे ज्यादा जरूरी है, हम इस बात को समझ नहीं पाते। हाँ, अगर लीडर ने कहा ये काम करो तो ये पहला सवाल पूछेंगे, सर मैं ही क्यों। लीडर को नहीं पूछेंगे लेकिन दिल में अपने आप को पूछेंगे, सर आज ही करना, मतलब सलाह काम से पहले इसकी ऑब्जेक्शन की लिस्ट तैयार होती है 80% लोगों की। 20% लोग बोलते हैं सर करूंगा, सिस्टम पद्धत बोलो काम हो जाएगा सर। तो ये बात होती है 80% लोग और 20% लोगों की। अगर कंपनी ने कहा कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आपको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, कि पहले इस्तेमाल करो और फिर बताओ, यही नेटवर्क है सिस्टम, तो ये 80% लोग बोलेंगे साहब इसका ना MRP बहुत ज्यादा है, ये DP थोड़ा सा ज्यादा है, आप थोड़ा कम करेंगे तो लेंगे। ये 20% लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, सर MRP कितनी भी हो, DP कितनी भी हो, ये कंपनी मेरी है, प्रोडक्ट आया तो मैं इस्तेमाल करूंगा, मतलब करूंगा, क्योंकि मैं इस्तेमाल करूंगा तो ही आपको मैं शेयर कर सकता हूं, उसके रिजल्ट के ऊपर मैं दमखम के साथ बात कर सकता हूं। तो साहब नेटवर्क मार्केटिंग जो मुझे लास्ट कई सालों से एक बात समझ में, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन जो मुझे डेफिनेशन समझ में आया शेयर करना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग दूसरा तीसरा कुछ नहीं, जो मुझे अच्छा लगा जिसके ऊपर मेरा विश्वास हुआ, वही बात जाके मैं 100-200 हजार लोगों को बताऊंगा और उसका पैसा कमाऊंगा, यही नेटवर्क मार्केटिंग है। तो सिंपल है साहब, ये 80% में आज आपको या 20% में अपने आप से सवाल करो, सिर्फ दिखने से कुछ नहीं होता, करने से बहुत कुछ होता है। आप कितनी बार प्रेजेंट हुए उससे कुछ मतलब नहीं साहब, प्रेजेंटेशन के साथ आपका परफॉर्मेंस कितना हुआ, ये दूसरा P को याद रखिए।
परफॉर्मेंस आती है तो ही प्रोडक्टिविटी आती है। तीसरा पी को याद रखिए, आपका प्रेजेंटेशन, आपका परफॉर्मेंस और तीसरा पी आपका प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कंपनी आपके परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन के ऊपर चेक नहीं बनाती, आपका प्रोडक्टिविटी के ऊपर चेक बनाती है। आप कल जाके हमारे सीईओ साहब को या अपने सीनियर लीडर को जाके बोलेंगे, सर मैंने आज दिन भर ना 10 प्रेजेंटेशन दे दो उसको पैसा। नहीं साहब, आपके सीनियर पूछेंगे 10 में से पैसा कितना का निकाला बोल, आप बोलोगे एक का भी नहीं, तो पैसा नहीं मिलेगा। तो साहब प्रेजेंटेशन के बाद आती है परफॉर्मेंस, उसके बाद आती है प्रोडक्टिविटी। इन तीन बातों के ऊपर मास्टर बनना पड़ेगा, और मास्टर बनने के लिए सिस्टम में रहना पड़ेगा। जरा लाउडली बोलो, लाउडली बोलो, कहाँ रहना पड़ेगा? यस, जरा लाउडली बोलो, सिस्टम में। जैसा आज का ये ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना सिस्टम है, सीनियर का ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना सिस्टम है, सीनियर का प्रोडक्ट डेमो अटेंड करना सिस्टम है, कंपनी का हर महीना, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली या ईयरली जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, यानी अपने शादी में जाने के लिए जितना रूल, जितना मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा वहां पे प्रेजेंस जरूरी है, वैसा मेरा सक्सेस का हर सिस्टम में रहना मेरा बहुत जरूरी है, माय डियर फ्रेंड्स। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, ये 80-20 रूल आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी अपने आप से सवाल करो, अपने डायरी में लिखो, मैं 80 में हूं या 20 में। कोई गलत नहीं है आप 80 में हो, क्योंकि 80 में से ही आपको 20 में लाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है और अगले कार्यक्रम सोते रहेंगे। या हमारे सीनियर्स कार्यक्रम रहते थे, साहब सबके सब सुधरे हुए होते थे तो ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती थी। आज से कई साल पहले मैं भी सुधरा हुआ नहीं, मेरे गुरु लोगों ने मार मार के समझा समझा के मेरे को 20 सिस्टम में लाया। और 20 में आने के बाद मैं ना रुका, ना रुकने दूंगा, ना अपने आप को मैं थमने दूंगा। कोविड है फिर भी मैं आज मैं घर में बैठ के पैसा कमा रहा हूं, जैसे आपका है ट्रेनिंग मीटिंग से। कल कोई प्रोग्राम है, परसों कोई प्रोग्राम है, नर्सों कोई प्रोग्राम है। मैंने अपने आप को समय के हिसाब से चेंज किया, कि मैं समय को कहां जाऊंगा चेंज करने के लिए, मैं अपने आप को समय के अंदर चेंज करना, ये सिस्टमेटिकली सिंपल चीज है। And that's why, my dear friends, आप अभी कहा हो क्यों आपका HHI में चेक नहीं बन रहा होगा, आज आपको शायद पता चला होगा। और क्यों लोगों का चेक बन रहा होगा, जिनका चेक 1000 था उनका 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, 3 का 5 हुआ, 5 का 50 लाख हुआ, ये क्यों हुआ? उसका कारण है, जिनका चेक बन रहा है, जिनका बीवी बन रहा है, जिनका बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है, वो लोग 20% में बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है करना मुझे ही है। 1000 कारण है ना करने के साहब, मैं हमेशा बोलता हूं 100 कारण है काम ना करने के, लेकिन साहब एक कारण पकड़ो साला काम करने का, एक कारण, वो एक कारण आपको सक्सेसफुल बना सकता है। साहब आज से कई साल में मैंने एक कारण पकड़ा था, छोटा सा 10x10 के छोटे से चाल में रहता था साहब। सुबह उठ के बाहर जाना पड़ता था मुझे, टॉयलेट भी बाहर थी हमारी, मुंबई के चाल सिस्टम में बड़ा हुआ लड़का हूं, हालांकि आज करोड़ों के घर में रहता हूं। तभी एक कारण पकड़ा था मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करने का, कि सलाह मैं झूमर के 18-20 साल इस छोटे से झोपड़पट्टी में ये रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं रहने चाहिए और मैं भी यही रहना चाहता हूँ। उसके लिए जो मेरा सीनियर, जो मेरा गुरु कहेगा वो करने के लिए तैयार है। फिर उसने कहा ना 12 घंटा तो 12 घंटा, 18 घंटा तो 18 घंटा। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, 100 कारण ना करने के है, एक कारण ढूंढो चिंचाई करने का, कोई हरा नहीं सकता। ये कोविड क्या सब ऐसे हजारों भयानक बीमार आपको रोक नहीं सकती। दैट्स व्हाई अपने आप को मार मार के 80 से 20 मिलाओ, सिस्टम को फॉलो करो। बहुत प्रॉब्लम्स है लोगों की जिंदगी में आज, माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये मेरा मानना है जिंदगी में प्रॉब्लम की चीज होती नहीं, कि मेरा मेंटल एटीट्यूड ये बोलता है प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना। जरा गौर फरमाइए इस बात के ऊपर, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना, यही बड़ी साहब बड़ी प्रॉब्लम है। आज कोविड दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है साहब। आज से कई साल पहले हम लोगों को घर में जा जाके डेमोन्स्ट्रेशन दे दे के पागल हो चुके थे, लोग हमें पागल करके बाहर भेज रहे थे। आज वही लोग हमारे को फोन करके पूछ रहे, भाई साहब वो है कि आपके पास तुलसी, वो नोनी है कि आपके पास। तो मेरा ये दावा है, की हुई मेहनत, अगर लगन से की हुई मेहनत, कभी ऊपर वाला वेस्ट नहीं करता। इसका मतलब वो नहीं कोविड आपके लिए उसने बनाया। आज लोगों को हम चिल्ला चिल्ला के 20-22 साल से हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बता रहे थे, लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन एक ना दिखने वाली छोटी सी जान ने आज लोगों की जान निकाली है। आज लोग आपके कंपनी का नाम कैसे बना होगा, सोचो संदोख सर का
विजन क्या रहेगा, ऊपर वाले ने कैसे उनको दिमाग में फिट किया होगा, क्यों कंपनी का नाम ऐसा रखने का, हैप्पी हेल्थ इंडिया, और अलग नाम रख सकते थे लेकिन ऐसा ही नाम क्यों? सब जो ऊपर वाला परवरदिगार खुदा भगवान जो भी ईश्वर अल्लाह जो भी है वो ऐसे ही नहीं सिचुएशन को क्रिएट करता। चाहे 2001 अगस्त 2015 को संतोष सिंह सर के दिमाग में हैप्पी हेल्थी इंडिया ऐसा ही नाम क्यों आया? उनको थोड़ी पता था 2020-22 में ऐसा कुछ होने वाला है। तो साहब इन ना दिखने वाले चीज ने दुनिया के दिमाग में दुनिया की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट की है लेकिन हमारे जिंदगी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। अभी आप कैसे देखते हो इस सिचुएशन के ऊपर आपका वैसा रिजल्ट निकलेगा। दैट्स व्हाई इस दुनिया में 80% लोग सलाह इस प्रॉब्लम को लेके घूम रहे हैं मार्केट में, अपने आप को छुपा के बैठे घर में, नहीं नहीं बाहर जाऊंगा तो ऐसा होगा ये होगा होगा। साहब घर में बैठ के भी दिमाग को कोविड हुआ है, बाहर जाके तो चला फिजिकली हो जाएगा, दिमाग में ज्यादातर बैठे हुए लोगों को दिमाग को कोविड हुआ है। लेकिन इस प्रॉब्लम को लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। साहब एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूं, सुनना पसंद करोगे? तो अगर आप सुनना पसंद करोगे तो जरा मुझे बताइए आपके चैट बॉक्स में जाके, जो सुनना चाहते हैं यस करके। तो एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया स्टोरी, आपके नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। हाँ जो सुनना चाहते हैं यस करके टाइप कीजिए, बहुत बढ़िया स्टोरी है, आज से कई साल पहले है। ओके यस सर, थैंक यू। तो जरा गौर फरमाइए स्टोरी के ऊपर। एक गांव था, उस गांव में नदी बह रही थी और उस नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ की एक शाखा डाली जिसको बोलती है उस पानी के ऊपर आई थी और उस पेड़ के ऊपर दो मित्र दो दोस्त ने बंदर दो बंदर हमेशा बैठा करते थे। उसमें से एक बंदर हमेशा नकारात्मक बात करता था, अगर ऐसा हुआ नहीं तो, मगर ऐसा होता है क्या, अगर मगर की बात करता था। उसको कोई भी अच्छी बात कहो तो उसको निगेटिव ही सोचता था, लेकिन एक बंदर बहुत पॉजिटिव था, वो हमेशा सकारात्मक बात करता था। उस दूसरे बंदर को हमेशा बोलता था कि यार देख चिड़िया भी घोंसला बनाती है, कौवा भी घोंसला बनाता है, हम तो बंदर है, हमसे इंसान बने हैं, क्यों ना हम आने वाले दिनों में हमारा भी एक छोटा सा घर बनाए। तो ये दूसरा नकारात्मक बंदर उसको बोलता था क्या है, बारिश तो 4 ही महीने रहती है, क्या घर बना के होगा, अगर हम बना पाएंगे क्या, मगर हम बना पाएंगे क्या। तो ऐसे ही एक नकारात्मक बंदर और एक सकारात्मक बंदर उस पेड़ पे दो मित्र बैठे थे और नीचे से नदी बह रही थी। अचानक से एक दिन आकाशवाणी हो गई कि जो बंदर पानी में कूद जाएगा उसका इंसान बन जाएगा, और जैसे ही आकाशवाणी हुई थोड़े ही पल में ढक करके पानी में आवाज आ गया। और सच्ची में पानी में देखा तो एक बंदर का इंसान बना था बन गया था, और जिसका वो जिस बंदर का इंसान बना था वो बहुत खुश हुआ था कि मैं इंसान बन गया। वो पानी उड़ा उड़ा के चिल्ला रहा था, अरे मैं बंदर से इंसान बन गया। और यहां वहां देख रहा था, 2-3 मिनट के बाद उसको पता चला कि मेरा दोस्त कहां पे है। उसने यहां वहां देखा तो उसका दोस्त था ही नहीं वहां पे। तो दोस्त ने उस इंसान बने हुए बंदर ने कहां देखा होगा, ऑब्वियसली उसने ऊपर देखा तो उसका वो बंदर दोस्त वहीं पे बैठा था। तो उसने नीचे से पूछा उस इंसान बने हुए बंदर ने, अबे तूने कूदी क्यों नहीं मारी, तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? तो उसने कहा मैंने सुनी। तो फिर तूने कूदी क्यों नहीं मारी अंदर? नहीं मैं सोच रहा था अगर मैं इंसान नहीं बना तो, अगर मैं इंसान नहीं बना तो। तो इस नीचे वाले इंसान ने मतलब वो कहा अबे बंदर की औलाद तू कूदी भी मारता था और इंसान भी नहीं बनता था तो तू रहने वाला क्या था साले, तू बंदर ही रहने वाला था, तुझे कूदी मारने में जाता क्या था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान के जिंदगी में आती है लेकिन लोग सोचते रहते हैं अगर नहीं हुआ तो। चले जिंदगी में 80% लोग इस अगर और मगर में चले अटके हुए मर चुके हैं। बोलते ना आधे अटके हुए आधे भटके हुए और कुछ लटके हुए, कुछ लोग अभी भी अगर मगर में अटके हुए जुड़े हैं तो है बहुत सपनों के बड़े साथ, लेकिन आज भी अटके हुए। सर ये कोविड सिचुएशन खत्म नहीं हुआ तो
बोलता खत्म होने के बाद भी तू और क्या करने वाला, आज को कुछ करने रहा है, उसके पहले भी तू कुछ नहीं कर रहा था, इसके बाद भी क्या करेगा। तो अपॉर्चुनिटी हर पल आपके सामने है, आंखें दिमाग खोल के बैठोगे तो हर इंसान आपको करोड़पति बनाने के इस दुनिया में पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हारी सोच और तुम्हारी मेंटल एटीट्यूड और तुम्हारी कारीगरी और तुम्हारा कार्यक्रम करोड़पति का है क्या? दैट्स व्हाई एक छोटा सा बंदर भी इंसान बन सकता है साहब, अपॉर्चुनिटी मिले तो। क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते चाय में? एंड दैट्स व्हाई आपके इर्द गिर्द साहब अपॉर्चुनिटी हजारों है, लेकिन आप उसको कैसे पकड़ते हो उसके ऊपर आपका है काम। तो आज कोविड दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। लोग सुन नहीं रहे थे आज के पहले हेल्थ के बारे में, आज लोग हेल्थ के सिवाय कुछ सोच नहीं रहे। अभी आपका यह काम है कि आपका कनेक्शन कैसा है उसके साथ, आज कैसे आप जाके लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, मैं एक्शन प्लान में बताऊंगा। तो साहब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत बोलो, हर प्रॉब्लम के अंदर छुपी अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। और इसके लिए दुनिया में के बहुत बड़े बड़े जो कारनामे हुए प्रॉब्लम के कारण ही हुए। इंसान यहां से वहां नहीं जा रहा था कम समय में तो किसी ने प्लेन का जरिया ढूंढा, इंसान यहां से वहां बात नहीं करता तो किसी ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया। प्रॉब्लम है इसके लिए साहब अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज के लिए सक्सेस है। तो आज के बाद इस कोरोना मैया बोलते ना, कोरोना को धन्यवाद बोलो कि हम आज से 10-5 साल पहले लोगों को हेल्थ 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 चिल्ला रहे थे लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे, आज बिना बताए लोग उसको पकड़ के बैठे। आज नॉकिंग करना जरूरी है, पहुंचना जरूरी है, उसके लिए आपको मीडिया बहुत कारगर तरीके से यूज करना पड़ेगा। आज के पहले फेसबुक ने आपको पैसा नहीं कमा के दिया, व्हाट्सएप ने आपको पैसा नहीं, उल्टा आपका जेब से पैसा गया होगा। तो आज जो मार्क जुकरबर्ग है ना साहब, कहां पे फैक्ट्री है, कहां पे प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है, एक डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर करोड़पति दुनिया का नंबर वन इंसान बन चुका है। तो क्या हम उसका मीडिया यूज करके क्या हम हमारे एचएचआई में अच्छा बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते, लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते, लोगों को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते? तो उसका भी मैं एक जरिया बताऊंगा। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, इस कोरोना को प्रॉब्लम मत बोलो, उसको अपॉर्चुनिटी बोलो, उसको इनकैश करने का तरीका ढूंढो। ये जैसा हर दिन आपका सेमिनार होता है उसमें लोगों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि साहब इस स्क्रीनशॉट को जिंदगी भर याद रखो। कोरोना तो आज के 1 साल के बाद निकल जाएगा, मैं बोलता हूं 2 साल के बाद निकल जाएगा, लेकिन ये भरोना वाला वायरस कब जाएगा जिंदगी से, जो साला कोरोना से भयानक है। कोरोना का तो वायरस का आपको वैक्सीन तो मिल जाएगा फ्री में या 1000-2000 में, लेकिन ये भरोना नाम का जो वायरस है, जो हमारे पहले भी था, हमारे साथ भी, हमारे जाने के बाद भी रहेगा, उसका वैक्सीन कहां से मिलेगा? ये टैक्स भरो, फीस भरो, किराना का बिल भरो, किस्त भरो और बच्चों का फीस भरो, ये क्या क्या नहीं साला भरो ना। तो इसका एक ही वैक्सीन है और उस वैक्सीन का नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया। तो हमारे इस वैक्सीन के लिए एक बार जोरदार, यानी हमारे कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। 1 अगस्त 2015 को इस वैक्सीन को इन्वेंट किया गया था, 2020-22 और अगले 2070-80-90-100 तक, यानी हमारे बाद भी कोई बीमारी आएगी तो उसके लिए हमारे कंपनी ने ऑलरेडी प्रोविजंस पैसे का करके रखा है। तो मैं हमेशा मानता हूं हर चेयरमैन, हर सीईओ, हर कंपनी का एमडी आपके लिए 1-10 करोड़ का चेक बना के रखता है। आपका फासला तय करने के लिए आपको सिस्टम में रहना जरूरी है। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, ये भरोना को हराना है तो आज कोरोना करना पड़ेगा, कोरोना मतलब काम कोरोना करना पड़ेगा, रोना बंद करना पड़ेगा, आज रात से काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप तैयार हो आज रात, क्योंकि मेरे को, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के लोगों को बोलता, घड़ी आपके लिए बनी नहीं, ये घड़ी किसके लिए बनी है मन में? चलो 2 पंच 1 लंग जिंदगी टच जिसको लगती है, यानी सुबह 9 का गाड़ी पकड़ना है, 11 बजे 10 बजे पहुंचना है, पंच करना है, 1:30 बजे लंच करना है और फिर वापस आके पंच करना है 6 बजे और घर पे 8 बजे, उसके लिए घड़ी बनी है। हमारे लिए तो घड़ी है नहीं, हमारे लिए 24/7/365 धंधे का टाइम है, मंडे हो या संडे धंधे का टाइम, यानी सुबह 7 बजे भी बिजनेस, रात को 12 बजे भी बिजनेस, दोपहर को 2 बजे बिजनेस, रात को 3 बजे भी बिजनेस। क्योंकि साहब ये तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बुक पढ़ के यहाँ पर आया नहीं हूँ, मैंने रात को 1:30-2 बजे भी प्रेजेंटेशन दिए है,
रात दुनिया के लिए मेरे लिए नहीं है। अगर माँ लक्ष्मी रात को 2 बजे घर पे आई तो दरवाजा खोलोगी या उसको बोलोगे कल सुबह 10 बजे आ जाओ? दैट्स व्हाई हमारे लिए घड़ी तो शौक के लिए हम पहनते हैं, हमारे लिए तो टाइम हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता पैसे कमाने का है। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, ये कोरोना को हराना है, जिंदगी के भरोना नाम की चीज को हराना है तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो उसके लिए? यस, दैट्स व्हाई आज के बाद आपको पहला जिंदगी में ये फिट करना पड़ेगा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मैं HHI के साथ जिंदगी में रहने के लिए तैयार हूं, मैं जिंदगी में आने वाले हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी करके लेने के लिए तैयार हूं, मैं कंपनी का हर सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। ये पहला मेंटल एटीट्यूड में फिट करो। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि इसको हराना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो पहला एक दिमाग में फिट करो, मिस्टर टीके रैना बनना पड़ेगा। हाँ, ये टीके रैना क्या है? मिस्टर टीके रैना क्या है? तो एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूं। एक इंसान को कहा गया कि आप 100 फीट खड्डा मारोगे तो आपको पानी लगेगा, क्योंकि उस गांव में पानी नहीं था। तो एक इंसान ने कहा कि एक ही जगह पे आप खड्डा मारो 100 फीट। तो उस इंसान ने काम करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, पहला खड्डा मारा 10 फीट का, बोलता है नहीं 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 शायद मैंने गलत सुना होगा, दूसरी जगह पे मारना पड़ेगा। फिर दूसरी जगह पे गया, उधर फिर खड्डा मारा, बोलता नहीं नहीं शायद इधर भी पानी नहीं है, थोड़ा दूसरी जगह पे ट्राई करता हूं। ऐसे करते करते उसने कम से कम 10-12 खड्डे मारे, और जिस इंसान ने बताया था उसको जाके गाली देने लगा, क्या आपने बोला था खड्डा मारो पानी लगेगा, मैं तो कितने खड्डे मार चुका हूं, एक बूंद पानी नहीं लगा। उसने बोला किधर मारा जरा दिखा दो मुझे। तो उसने देखा कि इसने भाई साहब ने 10 खड्डे मारे है। उसने बोला भाई साहब मैंने 10 खड्डे नहीं मारा था, एक ही जगह पे 100 फीट खड्डा मारने को बोला था, तू ही पानी लगेगा, आपने 10-10 फीट के 10 खड्डे क्यों मारे। बहुत ऐसा होता है नेटवर्क इंडस्ट्री में, लोग जुड़ते जाते हैं, हर 3 महीने में नया खड्डा मारते हैं। तो साफ सक्सेस अलग अलग जगह पे खड्डा मारने से नहीं मिलती, एक ही जगह पे खड्डा मारने से मिलती है। तो टिके रहना उसको ही बोलते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कंपनी अच्छा होने के बावजूद, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होने के बावजूद, सिस्टम बहुत बढ़िया होने के बावजूद फिर भी सक्सेसफुल ना होते, क्योंकि उसका कारण है साला वे एक नंबर के मेंढक होते हैं। हाँ, ये मेंढक क्या करता है, कभी देखा है मेंढक शांति से बैठा एक जगह पे? हाँ, और फिर उसका कार्यक्रम शुरू होता है उस मेंढक का, वो जाके चिल्लम चाट करता है मार्केट में, नहीं 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 उस कंपनी में ये बराबर नहीं था, वो बराबर नहीं था, मेरे को ऐसा चाहिए था, मेरे को तेरे हिसाब से कंपनी चाहिए, खुद खोल के देखना फिर क्या होता है। एक प्रोडक्ट जब ये आता है ना साहब, उसके पीछे 1000 रिसर्च होते हैं, 1000 तकलीफें होती है एक प्रोडक्ट लाना, मतलब 1000 जगह पे जाके रिसर्च करना, परमिशन लेना। बहुतों को लगता है नहीं एक पे कुछ नहीं होता, सर इतना लाओ उतना लाओ फिर ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो लाने के बाद बोलते नहीं सर वो लाओ, क्योंकि सलाह इसके फितरत में ही मेंढक की DNA सेट है। हाँ, फिर यहां से छोड़ के जाएगा तो गाली पिछले वाले को देगा, बोलता सर ये बराबर नहीं था इसके लिए मेरे कंपनी छोड़ा, फिर वो कंपनी छोड़ा क्यों नहीं, वो बराबर नहीं था इसके लिए कंपनी छोड़ा। उसको 10-12 साल के बाद उसी गांव में, उसी लुधियाना में, उसी दिल्ली में, उसी मुंबई में, उसी चेन्नई में जाके पकड़ो, बोलता 10 साल के बाद तू इधर की इधर कैसे, नहीं बोलता साला इंडस्ट्री बराबर नहीं। ऐसे लोगों को ऐसा गाली देने का मन करता है, साला इंडस्ट्री में तकलीफ नहीं था, प्रोडक्ट में तकलीफ नहीं था, तेरे अंदर साला 200 साल से तकलीफ भरा हुआ है, तेरे को कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तो पहला साहब, अपने आप को इस धंधे में मेंढक नहीं शेर बनाओ। जहां पे खड़ा रहूंगा वहां पे धंधा करूंगा, बिजनेस करूंगा, इसके लिए टीके रहना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई एक सिंपल फॉर्मूला मुझे पता चला, यही बेसिक फंडामेंटल है, time into work is equal to success। पहले साल ज्यादा काम करना ही पड़ता है साहब, क्योंकि फाउंडेशन बनाना पड़ता है, पैसा कम मिलता है ये पता है मुझे, क्योंकि आप बहुत अलग अलग जगह घूम पे आओगे, आप बोलोगे नहीं मैं पहले झटके में मार दूंगा सिक्स, नहीं होता साहब। सचिन तेंदुलकर ने भी 100 मैच के बाद भी 101 मैच का पहला बॉल पे सिक्स नहीं मारा, उसने सेट करने के लिए 2-4 बॉल खेले, उसके बाद उसने तीसरा बॉल पे फोर्थ मारा होगा। तो ये बेसिक बिजनेस फंडामेंटल बोलता है कि पहले साल फाउंडेशन के लिए लगता ही है, तो पैसा थोड़ा सा कम आएगा। तो ये बिजनेस है, ये कोई
जादू का खेल नहीं है, चमत्कार का कार्यक्रम नहीं है, दिमाग में फिट करो। साहब आज मैं दिन का 1,00,000 रुपए लेता हूँ, 2 दिन का 3,00,000 रुपए, 5,00,000 से लेता हूँ, लेकिन आज से कई साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था साहब, मैंने 1 साल 2 साल कई जगह पे जाके फ्री में भी बात किया था। मैंने कई सारे नेटवर्क के डायरेक्टर्स को हाथ जोड़ दे, सर मेरा एक सेशन रखो, अच्छा लगा तो पैसा देना, नहीं लगा तो छोड़ देना, क्योंकि मुझे पता था मुझे फाउंडेशन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाउंडेशन में मुझे प्रोडक्ट समझ के लेना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट का स्किल्स नॉलेज लेना पड़ेगा, मुझे लोग जुड़वाने पड़ेंगे, कुछ लोग जुड़ते जुड़ते भाग जाएंगे, कुछ जुड़े हुए काम नहीं करेंगे, तो मुझे नए लोग लाना पड़ेगा, तो मेरी मशक्कत ज्यादा होगी, मेरे मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन उसके वर्सेस पैसा कमाएगा। बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है। दूसरे साल थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि नए लोगों के साथ और काम, तो ज्यादा पैसा आना शुरू करेगा। लेकिन सबसे बढ़िया तीसरा साल काम कम और पैसा ज्यादा। ऐसा नहीं कि काम कम होता है, काम का तरीका बदल जाता है। जैसे हमारे अरोरा साहब 27-28 दिन घर के बाहर रहते हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने का तरीका बदल गया साहब। पहले वो ग्राउंड पे जाके प्रेजेंटेशन देते होंगे, चाबी उसके अंदर मैंने एक 999 का फॉर्मेट लिखा, आज टाइम कम है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आप याद रखिए, बच्चे को भी चलने के लिए साहब 3 साल लगते हैं। हम तो इस बिजनेस में छोटा सा बच्चा है, 3 साल तो मिनिमम देना ही पड़ेगा साहब, मिनिमम बोल रहा हूं, क्योंकि बिजनेस भी आपको चेक करता है कि आप कितने बिजनेस एटीट्यूड से आए हो, या आप भी चमत्कार वाला झंडी लेके कांडी लेके आए हो। जो मार्केट में आज घूमते हैं ना, हर 3 महीना हर 6 महीने के बाद अलग अलग जगह पे, इसके अंदर पैसा डालो, उसके अंदर पैसा डालो, झोल जाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सब उनका एटीट्यूड ही वो होता है, इसके लिए वो हर 6 महीने के बाद मर जाते हैं। बिजनेस माइंड एटीट्यूड में आओगे तो इस बिजनेस में नंबर वन होगे। ये बिजनेस ना तो संतोष सिंह साहब का है, ना पवन अरोरा साहब का है, ना किसी और का है। पहला एटीट्यूड में रखो, ये बिजनेस मेरा है, और इस बिजनेस के लिए लगने वाले सारे स्किल, सारे एटीट्यूड, सारे नॉलेज को मैं लेने के लिए सिस्टम को फॉलो करूंगा, तो ही जाके ये बिजनेस मुझे आने वाले 3 साल के बाद जितना मैं चाहूं उससे 10 गुना मुझे रिटर्न देगा। यही बेसिक फंडामेंटल ऑफ वर्क एंड टाइम एंड सक्सेस है माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। काम किसके साथ करना है ये पहले डिसाइड फिट करो साहब। 2015 और 2021 में हम लोग खड़े हैं, 6वां साल चल रहा है साहब। मैंने बहुत सारे कंपनी के साथ काम किया है साहब, तकरीबन 400 प्लस कंपनी को ट्रेनिंग दे चुका अलग अलग जगह पे, लेकिन बहुत कम फंडामेंटल कंपनी के साथ मैंने देखा है। मैंने 32 प्रोडक्ट के साथ आज 550 प्रोडक्ट। ये फासला साहब आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन इस कंपनी को जाते जाते कितना फंडामेंटली स्ट्रांग होना पड़ा होगा, कितने रिसर्च, कितना ग्राउंड वर्क करना पड़ा होगा कि मेरे कंपनी के प्रोडक्ट नंबर वन हमेशा रहने चाहिए, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर को कभी मार्केट में जाके तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए साहब कितना सारा लोगों ने मेहनत किया होगा। आप क्या करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसके साथ काम करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स आज कंपनी इतना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग रख के आई है, और उन्हें जैसे थोड़ी देर पहले शेंडे साहब ने कहा कि हम कंपनी के ऐसा देखना चाहते, तो आप अपने आप को बोलो कि इस कंपनी के अंदर मैं नंबर वन अपने आप को देखना चाहता हूँ, और अपने लोगों को नंबर वन दिखाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो काम ऐसे जगह पे करो जो अगले 50-100 साल के लिए कंपनी या अगला जनरेशन टू जनरेशन काम चलता रहे। और जैसे मैंने कल डॉक्टर साहब का स्पीच सुना और मुझे 100% यकीन हुआ कि ये बिजनेस एटीट्यूड वाले लोग है, ये कोई राइट वाले और लेफ्ट वाले लोग नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट का नया लाओ ऐसे वाले लोग नहीं, ये बिजनेस इथिक्स वाले लोग है जो बहुत कंपनी के अंदर होता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई एक छोटा सा शेयर अर्ज करना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइए साहब। जंगल में पेड़ तो बहुत है लेकिन चंदन जैसा नहीं, बागों में फूल तो बहुत है लेकिन गुलाब जैसा नहीं, और हिंदुस्तान में कंपनियां तो बहुत है लेकिन हमारे HHI जैसी नहीं, हमारे HHI जैसे नहीं है। हमारे कंपनी के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि FMCG में भी है, फूड में भी है, हर सेक्टर में हमारे प्रोडक्ट्स है, और प्लान भी इंस्टेंट भी है और कांस्टेंट भी है। मतलब इंस्टेंट पैसा चाहिए तो मैचिंग के होकर काम करो, और कांस्टेंट चाहिए और लाइफ स्टाइल को बहुत बढ़िया सेट करना है तो जनरेशन के ऊपर भी फोकस आने वाले दिनों में करो। माय डियर फ्रेंड्स इतना बढ़िया प्लान, इतना बढ़िया प्रोडक्ट के साथ
और इतना बढ़िया मैनेजमेंट के साथ, बहुत कंपनियां कम है, तो आप सही जगह पे काम कर रहे हो। अपना राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड, जिनको जिनको राइट हैंड है, हाँ जिनको जिनको है, जरा जोर से उठाओ और अपने आपके पीठ के ऊपर मारो, यस मैंने राइट कंपनी को सिलेक्ट किया, यस आई हैव सिलेक्टेड राइट कंपनी। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, चांस सबको है अमीर बनने का, लेकिन कम लोग चॉइस करते हैं। जैसे मैंने देखा ये दोनों लोग क्रिकेट की दुनिया में एक साथ थोड़ा आगे पीछे आए थे, लेकिन करियर एक का ही हुआ, हालांकि टैलेंटेड एक से ज्यादा दूसरा था। यस, ये दोनों स्कूल के दोस्त, जरा इनकी स्टोरी समझ के लीजिए, करियर होता कैसे किसी भी सेक्टर में, चाहे वो क्रिकेट हो, फिल्म हो, नेटवर्क हो या कोई बिजनेस हो। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, सबसे बढ़िया क्रिकेटर कौन था, आप यकीन के साथ बोलोगे विनोद कांबली। फिर भी करियर सचिन का क्यों हुआ, इस बात को जरा गौर फरमाइए, और एचएचआई में सक्सेसफुल बनने के लिए इन दोनों के ऊपर गौर फरमाइए। सचिन तेंदुलकर पहले आ गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, बाद में आ गए विनोद कांबली साहब, और जैसे ही विनोद कांबली आ गए, धड़ल्ले से उन्होंने स्कोर किया, लोगों ने बोलना शुरू किया ये दुनिया का सबसे बढ़िया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, दुनिया का सब क्रिकेट का रिकॉर्ड ब्रेक कर लेगा, सचिन इसके सामने पानी कम चाय है। तो भाई साहब जो विनोद कांबली है ना, बचे हुए बाल भी निकाले और कान में डाली बाली और रात को घूमने लगे गली गली, लोग कंपेयर करने लगे उसको लारा लारा से भी ऊपर, ये तो अभी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर देगा, हवा घुस गई कान में, ईगो आ गया सलो अंदर और फोकस हट गया काम से, और जो नहीं करना चाहिए था वो करना शुरू किया, और लोगों ने क्रिटिसाइज किया वो सचिन तेंदुलकर ने फोकस और गहरा किया। ये भाई साहब रात को विनोद कांबली 11 बजे निकलते थे, सुबह 4 बजे आते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर साहब रात को 10 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठते थे, 8-10 किलो का अपना प्रैक्टिस का किट उठा के, MIG क्लब मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम पे जाके प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं डाला कि मैं बढ़िया बैट्समैन हूं, उन्होंने कहा हर मैच आने वाला मेरा बढ़िया होने वाला है, गया हुआ मैच कभी बात नहीं करते। और मैं हमेशा लीडर को बोलता हूं, लीडर वही नंबर वन है जो बीते हुए कल को जल्दी भूलना जानता है और आने वाले कल के लिए आज के प्रेजेंट के ऊपर फोकस करके काम करता है। लीडर वो नहीं होता अपनी पास्ट वाली जिंदगी को बार बार दोहराता है, मैंने वो किया था, मैंने इधर तुर्रम खान जैसा काम किया था, अभी किया था तो पास्ट से प्रेजेंट में बात कर, तू HHI में क्या झंडे गाड़ेगा। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टेड विद क्रिकेट, ये भी क्रिकेट के साथ किया, लेकिन एंड विद क्रिकेट, इसका रिटायरमेंट क्रिकेट में ही हुआ, इसका रिटायरमेंट किधर हुआ पता नहीं, विनोद कांबली साहब का, हालांकि बहुत टैलेंटेड इंसान, बैट्समैन बहुत बढ़िया था, लेकिन एटीट्यूड के अंदर गलती हो गई। टैलेंट कम था सचिन साहब के साथ, लेकिन एटीट्यूड बहुत बढ़िया था। तो नेटवर्क हो या जीवन हो, एटीट्यूड को साहब बहुत महत्व है। और दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर क्रिकेट से बाहर निकले, ब्लेम किया, लोगों को गाली गलौज करना शुरू किया और बोलना शुरू किया कि क्रिकेट का मेरा करियर कुछ लोगों ने एंड किया, ऐसा कोई करियर आपका एंड नहीं करता साहब, आपकी आदतें, आपका ईगो, आपके तरीके आपके सक्सेस को किल कर डालती है। कोई कंपनी बंद होने नहीं आती साहब, कभी कभी हमारे जैसे गलत लोग ही उस कंपनी का गला घोट देते हैं, हमारे तरीके उसको वाट लगा देते हैं। कोई डायरेक्टर कोई कंपनी बंद नहीं करना चाहता साहब, लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग जमा हो जाते हैं आजू बाजू में और गलत 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 तरीके बताने शुरू करते हैं और फिर खुद भी मरते और दूसरे को मार डालते हैं और फिर क्लेम करते कि वो डायरेक्टर ही बराबर नहीं था। तो वैसा कांबली साहब ने ब्लेम करना शुरू किया, इसने मेरा ऊपर अत्याचार किया, इसने मेरा करियर को बर्बाद किया, हालांकि करियर को बर्बाद उन्होंने खुद किया उसके एटीट्यूड से, कि थोड़ा सा ईगो का हवा घुस गया, प्रैक्टिस बंद हो गई, फोकस हट गया, और इनका क्रिटिसिज्म के बाद प्रैक्टिस डबल हो गया, फोकस डबल हो गया। साहब 24 साल इस इंसान ने एक ही गेम के ऊपर फोकस किया, 24 साल जिंदगी के, एक ही क्रिकेट पहले साल खेला, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, साहब 24 साल फोकस ऑन क्रिकेट था। That's why, my dear friends, आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो जिंदगी के बचे हुए जितने भी साल है चलो एक ही गेम को खेलूंगा, उस गेम का नाम है HHI। जरा जोर से बोले HHI। हाँ जोर से, कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं, एटीट्यूड है, देखते मतलब कुछ लोग अभी भी सोच रहे ये नहीं जमा तो चले, तेरे को ये नहीं जमेगा तो वो भी नहीं जमेगा, लिख के ले लो मुझसे, क्योंकि जिसको जमना है ना उसको जमाना पड़ता है अपने आप को। साहब मेरा ये दावा है
प्लान चलता नहीं, प्लान को चलाना पड़ता है साहब। दुनिया का कोई प्लान परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाने के लिए अपने आप को परफेक्ट स्किल लाने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, ही जॉइन गोल्ड गेम, इसने 24 साल अपने गेम को इंप्रूव किया, टेस्ट में भी खेला, वनडे में भी खेला, 2020 में भी खेला, आईपीएल में भी खेला, और आज भी हालांकि भी खेल रहा है। तो उसने कंप्लेन नहीं किया, मैं तो टेस्ट के लिए बना हूं, उसने सोल्यूशन ढूंढा। वनडे आया तो, वनडे आने के बाद आईपीएल आया तो कंप्लेन नहीं किया, मेरा उम्र है मैं कैसे भाग सकता हूं। उसने हर फॉर्मेट के लिए अपने आप को फिट कर डाला। जरा लाउडली बोला, क्या बोला? हर फॉर्मेट के लिए अपने आप को फिट करता है वही सेट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जरा लाउडली बोलो, हर फॉर्मेट के लिए जो अपने आप को फिट करता है वही जीवन में सेट होता है। अभी कोविड आया, कुछ लोगों ने धंधा बंद कर डाला, लेकिन कुछ लोगों ने बोला अभी तो साला 24 घंटा घर में बैठ के धंधा ही तो करना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जूम पे, जहां मौका मिले बात करते रहो, बात करते रहो, लोगों को हेल्थ के बारे में बताते रहो। दुनिया हेल्थी हो जाएगी, हम हैप्पी हो जाएंगे। दुनिया अपने प्रोडक्ट खा खा के हेल्दी हो जाएगी, अपन साला पैसा कमा कमा के हेल्दी हो जाएंगे, फिर इंडिया घूम लेंगे एक दिन। तो साहब इसने गोल के ऊपर ध्यान दिया, ये मैरिड ट्वाइस, और ये भाई साहब ने जिसके साथ प्यार किया, लगन भी उसी के साथ किया, और जिंदगी भी आज उसी के साथ बिता रहा। तो कहना मेरा यही है, जिंदगी में कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लीडरशिप के प्रोग्राम के ऊपर हम समझाते व्हाट इज कैरेक्टर, हाउ टू बी इथिक्स के साथ कैसा बिजनेस करना है। तो मेरा ये कहना है साहब, आपको बनना क्या है? अगर मैं आपको सवाल पूछूं, आप विनोद कांबली बनना चाहते हो या सचिन तेंदुलकर? यस, ऑब्वियसली सब के सब कहेंगे सचिन। लेकिन साहब 24 साल में हजारों बार जिंदगी में तकलीफों को झेल के 24 साल के करियर को कंप्लीट किया है। हम सचिन के सेंचुरी को याद करते हैं, लेकिन सैकड़ों दर्द को याद नहीं करते। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजों को सेट करो। मैं चाहे मैं कितना भी बड़ा बनूं, मैं ईगो नाम का चीज का गोली या हवा इसकी इर्द गिर्द अपने आपास घूमने दूंगा। मेरा चेक 1 करोड़ का भी हो जाएगा तो मैं मानूंगा मेरा पहला दिन है आज कंपनी में। शायद हमारे अरोड़ा साहब इसके लिए आज 60 लाख 70 लाख के ऊपर गए कि हर दिन को नया मैच के जैसे खेलते। सचिन साहब को जब भी पूछा गया आपका सबसे बढ़िया मैच कौन सा, उन्होंने आंसर दिया आने वाला मैच। तो जितने भी लीडर्स बैठे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं अगर बढ़िया लीडर बनना है तो हमेशा एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, याद रखना आपको, जब जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो पेट्रोल पंप अटेंडेंट आपको पहला डायलॉग बोलता है, भाई साहब 0 देखो। वो आपको दिखाना चाहता है आपकी गाड़ी 5 लाख की है, 50 लाख की है, 50 करोड़ की है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी नया दिन है, नया बार पेट्रोल डाल रहे हो तो पहला 0 देखो। मतलब वो ये बताना चाहता है हर दिन की शुरुआत 0 से करो तो 100 पे पहुंचोगे। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सचिन बनना है तो सिस्टम के साथ, इतिहास के साथ, रूल के साथ रहना पड़ेगा। सिंपल देखो साहब, आपके शॉपी ने, आपके कंपनी ने एक छोटा सा ऑफर लगा था, बिजनेस एटीट्यूड रखो, सचिन ने क्रिकेट का एटीट्यूड, स्पोर्ट्स एटीट्यूड रखा। आपका कंपनी का एक छोटा सा ऑफर था बीच में, कुछ शॉपिंग ऑफर। मैं आपको सिंपली बोलता हूं, सही में आपको सचिन बनना है, यानी बिजनेस का सचिन बनना है या एचएचआई का सचिन बनना है, तो मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। एक शॉपी आपने घर में लेने के लिए मैं आपको कहूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे ना बोलेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बोलता हूं कि आपके घर में सारी चीजें हैं। हाँ, टीवी रहेगी, फ्रिज रहेगा, इन सारी चीजों को अगर आप अभी के अभी बेचने जाओगे तो कितना माल आपको मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? गिनके 20,000 भी नहीं मिलेगा। आपका फ्रिज कम से कम 20,000 का रहेगा, टीवी 30,000 का रहेगा, एसी 40,000 का रहेगा, वॉशिंग मशीन 15,000 की रहेगी। साहब ये चीजों को आपने लेना चाहिए था, लेकिन ये चीजें आपने घर में लाया आपकी सुविधा के लिए, आपके सुकून के लिए। सुकून तो दिया, लेकिन आपके जेब से पैसा भी निकाल के दिया। अगर ये 50 1 लाख 2 लाख की चीजें आप ले सकते हो तो क्या आपके आने वाले फ्यूचर के सुकून के लिए हमारे कंपनी का शॉप ही नहीं ले सकते हम लोग? और कितने का था? और साहब करोड़ों का प्रॉफिट चाहिए ना, तो बिजनेसमैन को ना 1 करोड़ के प्रॉफिट के लिए 10 करोड़ लगाने पड़ते हैं, 10 करोड़ के प्रॉफिट के लिए 100 करोड़ लगाने पड़ते हैं। 24 घंटा तो मैं टाइम पूछता ही हूं उनको। अगर हमें 1 लाख का चेक चाहिए
हमें 10 लाख का चेक चाहिए तो क्या हमारे टीम में एक छोटा सा शॉपिंग ही होना चाहिए? ये बिजनेस एटीट्यूड के लोग समझ के लेते हैं, पैसा आप सर्विस देना है तो शॉपिंग लेना बहुत जरूरी है। पैसा नहीं है इसके लिए तो लेना जरूरी है, वो आएगा तो सर्विस बढ़िया बनेगी, सर्विस बढ़िया बनेगी तो कस्टमर बढ़िया बनेंगे, कस्टमर बढ़िया बनेंगे तो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बनेगा तो ये सब सर्कल है साहब बिजनेस का। दैट्स व्हाई एक बिजनेस एटीट्यूड वाले लोगों को शॉपिंग का फंडा समझ में आएगा। अपने आप से सवाल करो, अगर मेरे घर में आज शॉपिंग होती थी, आज मैं कोविड के चक्कर में बाहर नहीं जा सकता 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मेरे बिल्डिंग में, मेरे गांव में तो घूम सकता था मैं, लेकिन अभी शॉपिंग है मेरे से 15 किलोमीटर दूर, मैं उसको फोन कर रहा हूँ, बोलता अभी माल खत्म हुआ है, कस्टमर तो घर पे आके मांग रहा है लेकिन शॉपिंग में माल नहीं है, धंधा गया, कस्टमर दूसरे के नाद में लग गया। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ के लेना बहुत जरूरी है, आपको समझ के लेना जरूरी है, ऑफर आती है तो उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ये बिजनेसमैन एटीट्यूड में आ जाओ, यस यस मैं जोर से बोल रहा हूँ, बिजनेसमैन एटीट्यूड में आ जाओ। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है आपको और पूछना है, क्या सही में आप इस कंपनी में करोड़पति बनना चाहते हो? अगर यस, हाँ, अगर हाँ बोल रहे हो तो आप यस बोलो। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि यस मैं चाय में करोड़पति बनना चाहता हूं तो यस लिखिए, आपके चैट बॉक्स में यस लिखिए। छोटा सा सवाल है मेरा, देखो कंपनी जो मैं जानता हूं, जो बेसिक फाउंडेशन में, यस वेरी नाइस। अभी मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप इस कंपनी के मालिक होते थे, अगर आप इस कंपनी के मालिक होते थे तो इस कंपनी में कितना पैसा लगा देते? हाँ, कितना पैसा लगा देते आप जरा बोल दो मुझे, 5,000, 10,000? मालिक पूछ रहा हूं साहब, मालिक, नौकर नहीं। 1 लाख, अच्छा 1 लाख से धंधा शुरू होता है, अच्छा 2 लाख, अच्छा 3 लाख, 4 लाख, हाँ कितना लगाना पड़ता था जरा जोर से बोलिए, लिख लीजिए वहां पे, लिख लीजिए, हाँ जरा लिख लीजिए। ओके, तो मैं एक सवाल करता हूं कि अगर हमें आज कोविड ने एक सिचुएशन क्रिएट करके दिया है कि मैं नहीं जा सकता 15-20 किलोमीटर दूर, लेकिन मैं 2-4 किलोमीटर तो घूम सकता हूं, अगर ये सर्विस मुझे देनी है तो क्या मेरे घर में एक छोटा सा शॉपिंग ही होना चाहिए, या मेरे गांव में 4-5 लोग मिलके एक शॉपिंग ही ले सकते हम लोग? एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपको ये कहना है, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या ये बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए मैंने ये कदम नहीं उठाना चाहिए, मैंने थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी का चैलेंज लेना नहीं चाहिए? एंड दैट्स व्हाई मैं यही कहना चाहता था आपको कि बिजनेसमैन एटीट्यूड से जब भी काम करोगे तो ही बढ़िया पैसा कमाओगे, नहीं तो 2-5-10 हजार से आप यहाँ पे काम करोगे तो 2-5-10 हजार तो आप कमा ही लोगे, लेकिन आपके सपने साकार नहीं होंगे। सपने साकार करने हैं तो कुछ दायरों को तोड़ना पड़ेगा, कुछ बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा, छोटी मोटी कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा एक्सपेंशन करना पड़ेगा, थोड़ा काम के अंदाज को बदलना पड़ेगा, काम के टाइम को बदलना पड़ेगा। जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है वहां से जिसकी सोच शुरू होती है उसी को HHI का लीडर कहते हैं, उसी को HHI का लीडर कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लोग जब ना बोलते हैं तो आपने उसी टाइम उसको चैलेंज करना चाहिए, मतलब उस इंसान को नहीं कि सलाह ना बोल रहे इसके लिए करने में मजा है, कस्टमर ना बोलता है इसके लिए तो उसके घर में घुसना बहुत जरूरी है, ये चैलेंजिंग एटीट्यूड को लाना पड़ेगा। That's all, my dear friends. मेरा ये कहना है कि आज सोने से पहले एक 10 सपने लिखो कि क्यों मैं HHI में आया, इसके पहले मैं XYZ कंपनी में था, उसके पहले था, तो क्यों मैंने HHI को सिलेक्ट किया, और ऐसे कितने दरवाजे आज के बाद मैं चेंज करूंगा, और नहीं करूंगा तो मैं इसी दरवाजे को कितना फिट करूंगा ताकि पीछे मैं मुड़के ना देखूं। तो आज कम से कम मैंने क्यों HHI को ज्वाइन किया, 5 कारण लिखो और उसमें से एक स्ट्रॉन्ग कारण को हाईलाइट करो, अपने घर में लगा डालो। और ये मैंने किया था माय डियर फ्रेंड जब मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, क्योंकि 1,000 बहाने, 1,000 तकलीफें हैं, जैसे 1,000 कोविड आएंगे तो मुझे 1,000 बार कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं मिलेगा,
मेरा सीनियर नहीं मिलेगा, मेरा कंपनी नहीं मिलेगा, तो मुझे मोटिवेट कौन करेगा? तो मेरा वो पर्पस मोटिवेट करेगा। अपने दीवार के ऊपर लिख लीजिए कि मैंने एचएचआई को क्यों ज्वाइन किया, या तो वो दो सपने एक सपने लिखो कि इसके लिए मैंने एचएचआई को हाथ थामा है और मरते दम तक मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन लिखोगे ना साहब, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। नहीं तो साहब आपको हजार कारण मिलेंगे यहां से भागने के, काम ना करने के। And that's why, my dear friends, मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। तो नेक्स्ट एक्शन प्लान आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, उसको लिख लीजिए और समझ भी लीजिए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो यस लिखिए। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो आप लिख लीजिए यस। ओके, मेरा स्क्रीन अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज लिखिए यस। यस दिख रही है, दिख रही है। ओके ओके, थैंक यू। अभी दिख रही है सर, जरा बताइए। स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। ओके, हाँ, आई थिंक नेट का इशू है। ओके, अभी दिख रही है? हाँ, अभी आ रहा है। ओके, तो ये फॉर्मूला फिट कीजिए और एक बार जोर से बोले आपके घर में, काम करो। जरा जोर से बोले, लाउडली बोले, आपके आपके घर वाले भी सुनो, काम करो। अभी काम करो मतलब क्या है? हाँ, काम का पहला के है, हमारे कंपनी में 550 प्रोडक्ट है। मुझे मालूम है अभी 550 के 550 का नॉलेज नहीं आ सकता, लेकिन सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट और आज के कोविड में सबसे ग्रेट सेलर प्रोडक्ट कौन सा है, तो उसका लिस्ट निकालिए आज के आज। फिर नोनी है, तुलसी है, एलोवेरा है, ये है, राइट? तो आप पहला उस प्रोडक्ट का लिस्ट बनानी है, और जितने भी सीनियर्स बैठे हुए उनको कहूंगा कि आप आपके आज सोने से पहले 50-100 लोगों का लिस्ट निकालिए, उनके सामने लिखिए। मान लीजिए संतोष, रमेश, दिनेश, तो उसको ये प्रोडक्ट का नॉलेज है क्या? यस, टिक मारो, यस टिक मारो। अभी मैं ग्राउंड और बेसिक फंडामेंटल चीजें बताता हूँ जो मैं आज से कई साल पहले करता था। तो मेरे पास 10 बढ़िया प्रोडक्ट है, मेरे पास 100 अच्छे लोग है, लेकिन 100 में से 10 ही लोगों को मेरा प्रोडक्ट पता चला है, क्योंकि 90 लोग कभी हमारे प्रोडक्ट डेमो में आए नहीं, ट्रेनिंग में आए नहीं। तो मेरा प्रोडक्ट बढ़िया होके फायदा नहीं, मेरा ग्राउंड का टीम तो उसको पता ही नहीं कि मेरे पास कौन सा बम है, कौन सा हथियार है, तो लड़ेंगे कैसे जाके। तो पहला सीनियर का काम रहेगा अपना लोगों का लिस्ट बनाओ। जूनियर लोग आज जुड़े, उनका काम रहेगा आज प्रोडक्ट का लिस्ट निकालो कि आज कोविड सिचुएशन में सबसे बेस्ट सेलर कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का नॉलेज कहाँ मिल सकता है, जैसे कल हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया नॉलेज दिया होगा। तो अपने घर में एक लिस्ट बनानी है कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए काम कर सकता है, कौन सा प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल का क्या बेनिफिट है, उसके बेनिफिट की वीडियोस कहाँ से मुझे मिल सकते हैं, मेरे सीनियर के पास से, मेरे बाजू वाले टीम के पास से, कंपनी के पास से, जितना हो सके उस डाउनलोड कीजिए। क्योंकि जब मैं नॉलेज दूंगा, लोग उसका मुझे प्रूफ मांगेंगे, तो मेरे लोगों को मैं उसका वीडियो दिखा सकता हूँ, टेस्टिमोनियल दिखा सकता हूँ, ताकि लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को क्लोज करने के लिए। सेल्स का ये टॉपिक है, मैं सेल्स में बहुत बढ़िया तरीके से क्या होती है कनेक्शन, क्या होती है कन्विंसिंग, क्या होती है क्लोजिंग, क्या होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या होती है क्लोजिंग, ये 3-4 प्रकार हम लोग उसमें लेते हैं। लोग ना क्यों बोलते हैं, लोग भाव के ऊपर ना नहीं बोलते, लोगों को हमको समझाना नहीं आता कि साहब हमारी ये 350 प्रोडक्ट कैसी सस्ती है। लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमारे लोग भी आर्ग्यूमेंट से कभी क्लोजिंग नहीं आता, निगोशिएशन से क्लोजिंग आती है। निगोशिएशन कन्विंशन कैसे करनी, इसके भी अलग अलग तरीके सीखना पड़ेगा। तो पहला नॉलेज लेना पड़ेगा, दूसरा नॉलेज लेके घर पे नहीं बैठना पड़ेगा, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। अगर मुझे पता चला कि वेटरनिटी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, अगर मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ, पुणे में नहीं रहता हूँ, मैं लुधियाना में नहीं रहता हूँ, मैं सूरत में नहीं रहता हूँ, मैं गांव खेड़े में रहता हूँ, तो मैं पहला लिस्ट निकालूंगा, ये मेरा वेटरनिटी प्रोडक्ट मैं कौन से फार्मर को दे सकता हूँ। अभी मैं फार्मर में घर पे गया और उसको वेटरनिटी प्रोडक्ट बता रहा हूँ, लेकिन उसके चला गोटे में एक भी गाय नहीं है, फायदा क्या उसका? तो मुझे सिलेक्शन ऑफ कस्टमर करने के लिए नॉलेज फिर लेना पड़ेगा। जहां पे छुरी काम कर सकते वहां पे तलवार लेके नहीं जाना पड़ेगा, छुरी लाना पड़ेगा। तलवार जंग के मैदान में काम में आती है, किचन में नहीं आती है।
तो ये सब सेल्स में आपको सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें होती है साहब, कस्टमर हाँ बोलने के लिए पैदा होता है, लेकिन हम उसको ऐसे तरीके से बताते हैं कि वो ना ही बोलता है। सीधा कस्टमर के घर पे जाके जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं तो कस्टमर प्रोडक्ट हाथ में लेता है, और जैसे ही कस्टमर का एक एटीट्यूड, एक साइकोलॉजी होती है, जैसे ही प्रोडक्ट लिया पहला वो चेक करता है उल्टा पुल्टा करके भाव, वो जब भी देखता है 140 उसको अटैक आना बाकी रहते हैं। एक तो उसकी प्रायोरिटी ये प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा उसको बीमारी है कि नहीं उसको भी पता नहीं है, और हम जाके उसके घर में घुस जाते हैं, बोलते सर ये ले लो, मेरा ले लो, अभी तेरा क्या ले लू, तो हमें पता ही नहीं होता उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो नॉलेज और स्किल आपको एक्वायर करने के बाद उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, और एक्शन और नॉलेज ये दोनों एक साथ करोगे तो तीसरा अपनी चाहत वाली बात है जिसके लिए हमने HHI का हाथ थामा है, वो पैसा अपना सपना मनी मनी आपके पीछे आना शुरू करेगा। तो चलिए आपके घर पे बैठे बैठे चला काम करो का पूरा फॉर्मेट बोलो, के फॉर नॉलेज, लाउडली 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 नॉलेज लाउडली बोलना, यस बाजू वाले को सुनने को जाना चाहिए। दूसरा है नॉलेज में लूंगा प्रोडक्ट का, सिस्टम का, मेरे लोगों का, हमारा मेरे लोगों का मतलब मेरे लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मालूम है कौन सा मालूम नहीं, तो मैं जल्द से जल्द आज के 48 घंटे के पहले 24 घंटे के पहले सबका लिस्ट निकालूंगा, फिर मैं शेंडे साहब को बोलूंगा, प्रजापति साहब को बोलूंगा, या शायद पवन साहब को बोलूंगा, या शायद कंपनी के डॉक्टर साहब को बोलूंगा, सर मेरे 100 लोग हैं इनको ये प्रोडक्ट पता ही नहीं है, ये मेरा गलती है कि मैंने उन्होंने कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बिठाया नहीं, सॉरी सर लेकिन आपको एक घंटा मुझे देना है, मैं चाहिए वो सारे परमिशन कंपनी से लेता हूँ, मेरे 100 लोगों को बिठाऊंगा, सर आपका स्पेशल मीटिंग चाहिए, ये वेटरनिटी प्रोडक्ट मेरे गांव में चल सकता है, सर ये हमारा नोनी प्रोडक्ट हमारे घर में चल सकता है, सर हमारे ये FMCG ऑर्गेनिक है सर, ऑर्गेनिक लोग खा खा के, जो पेस्टिसाइड वाले खा खा के लोगों को कैंसर होता है, और हमने सुना है कि सर दुनिया में आज हिंदुस्तान में कम से कम 10% लोग तो कैंसर से आज के तारीख में मर रहे हैं, सर मैं उनको कैसे बचा सकता हूँ, इसके लिए हमारे ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, सर आपके 2 घंटे चाहिए। ये नॉलेज लेके उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे तो पैसा आएगा, सिंपल फंडामेंटल है। नेटवर्क दूसरा तीसरा कुछ नहीं, जिसका ऊपर मेरा विश्वास है, जो मुझे पसंद है, और दूसरों को जाके बताना बताना और पैसा कमाना, यही नेटवर्क है। जरा जोर से बोलो, जो मुझे पसंद है, जिसके ऊपर मेरा विश्वास है, ऐसा जाके लोगों को बताना और उसका रेफरल का पैसा कमाना, वही नेटवर्क है। और हमारे घर में हर बच्चा साफ करता है। अभी मेरी बेटी, उसने मैंने उसके लिए कल खिलौना मंगाया, और खिलौना उसने बाजू वाले को जाके बताया। अभी जिसने खिलौना मुझे भेजा वो क्या मुझे रॉयल्टी देने वाला है, लेकिन मेरी बेटी ने जाके बताया। अभी उसका पप्पा, बाजू वाले के बेटे का पप्पा, वो मुझे पूछ रहा है वो किधर से लिया, मैंने उसको बताया ये दुकान से लिया, मतलब अमेजोन से वो मंगाया, अभी अमेजोन ने पैसा कमाया, मैंने क्या कमाया, ठेंगा। तो कौन कहता है कि आप नेटवर्क, और आपका बच्चा भी नेटवर्क करे साहब, उसको सिर्फ सिस्टम समझाओ, वो जाके बाजू वाले को जाके बेचेगा आपका प्रोडक्ट, उसको अभी 5 साल से ही काम करने को शुरू करो, उसको बिजनेसमैन अभी से बनाना शुरू करो। इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अपने बच्चों को भी इस बिजनेस एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व करो। तो साहब काम की बात आता है, ये 4 सर्कल है जो जाने से पहले मैं अगले 15 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और फिर मेरे प्रोग्राम का मैं एंड करूंगा। ये लोग सक्सेसफुल बनने के लिए आपके सीनियर लीडर के लिए स्पेशली मैं स्लाइड कहूंगा, ये है, ये स्लाइड का पिक निकाल के रखिए, हालांकि हायरी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लेते हैं कि एक इंसान को पहले सर्कल से दूसरे सर्कल में लेके जाना होता है, दूसरे से तीसरे सर्कल में, तीसरे से चौथे, और चौथे के बाद उसको छोड़ देना होता है जो आपको पैसा बना के देगा। जब जब दुनिया में नया काम लोग करने शुरू करते हैं तो नया काम नई तकलीफें, नए चैलेंजेस लाता है, उसको डर के वो अपने आप को छुपा लेता है, यानी कंफर्ट जोन में फिट करता है। और इसके लिए नेटवर्क में देखो, जॉब वाला ज्यादातर तो लोग टिकते नहीं है, क्योंकि उसको 9 से 5 की आदत होती है, 10 में से 8 भाग जाते, 2 लोग टिकते हैं, या तो उनकी बहुत नीड होती है या तो उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। फिर लोग 2 टिकते हैं ना, उनको भी डर लगता है, जो 8 भागे उनको भी डर लगता है। कंफर्ट जोन में तकलीफ नहीं होती, अंदर ही बैठे बैठे कुछ करना नहीं होता, लेकिन बाहर निकले तो फिर डर लगता है। डर किस बात का? पहला होता है कि मुझे आएगा क्या, मुझे जमेगा क्या, मुझसे होगा क्या, लोग लेंगे क्या, ऐसे भयानक भयानक उसके सवाल आते हैं दिमाग में, साले वायरस आता है उसके दिमाग में। फिर वो आता है फियर जोन में, बोलता सर मुझसे तो होगा नहीं, मैंने तो ऐसा किया नहीं, सर आप तो आते ही नहीं, सर आपने तो बोला था आप करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तो कर डाला, लोगों ने मेरी कर डाली साहब, ऐसे ऐसे सवाल पूछे,
जो मुझे क्या मेरे बापू को भी उसके आंसर नहीं आते थे। तो अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, कुछ लोग तो साला एनाकोंडा आजू बाजू में घूमते रहते हैं, कोबरा आजू बाजू में घूमते, कुछ तो साला अपने घर में भी दो चार कोबरा होते, कुछ नया करने जाओ तो अपने ही बापू बोलता तू किधर जा रहा है भाई। तो ये फियर जोन से भी अपर जो कंफर्ट जोन में जाता है, फिर उसको बाहर निकालने के लिए सीनियर्स बहुत ताकत लगानी पड़ती है, फिर उसको लेके जाना पड़ता है लर्निंग जोन में। जैसे आज का ये जोन है लर्निंग का एक हिस्सा है, क्योंकि ये लर्निंग जोन में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, सीखना पड़ता है। किसी ने बहुत खूब कहा है अज्ञान सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, जो चल रहा है। और जैसा ज्ञान मिलता है तो साला इज्जत उतरना शुरू करते लोग, मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आते उसको कुछ तकलीफ है क्या, कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन जो इंग्लिश सीखना जाएगा उसका इज वॉज दैट कुछ उल्टा फुलटा आएगा तो उसको बेइज्जत लगता है, फिर वो सीखना बंद करता है। जैसे नेटवर्क में लोग आते हैं, फिर माल बेचने आते हैं, ज्वाइनिंग करने जाते हैं, तो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, उस ऑब्जेक्शन को ना फेस करने के लिए लोग वापस कंफर्ट जोन में जाते हैं। लेकिन लर्निंग जोन बोलता है विदाउट चैलेंज विदाउट पेन आप अगले सर्कल में नहीं जा सकते। जो अगला सर्कल है वो है ग्रोथ जोन, जो हर इंसान दुनिया का चाहता है। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रोथ जोन में जाने के लिए आपको पर्पस को बहुत फिट करना पड़ता है दिमाग में। जैसे मैंने बोला ना, एक पर्पस लेके आज रात सोने से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, हजारों बाधाएं, हजारों कोविड आ जाए, मैं HHI का हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरी माँ का हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं HHI में सक्सेसफुल बनूंगा, उसके लिए मैं अपने आप को आज के बाद पहला कंफर्ट जोन से फियर जोन में लेके आऊंगा। फियर जोन में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन फियर जोन को मारने के लिए मैं लर्निंग जोन में आऊंगा, मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा। लर्निंग जोन में आऊंगा तो नई नई बातें सीखने मिलेंगे, नए नए सीनियर्स की बातें सीखने मिलेंगे। आज जैसा ट्रेनर संतोष सकपाल की मैंने बात सुनी, कुछ तो नया सीखने को मिला। कल मैंने शिंदे साहब का सुना, परसों मैं पवन सर का सुनूंगा, और मैं और एक अलग अलग हमारे आशीष जी है उनका सुनूंगा, मैं हर एक लीडर की बात को सुनूंगा, तो मेरा लर्निंग एक्सपांशन हो जाएगा, मेरा लर्निंग क्वेश्चन बढ़ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि आदमी सीखने से ही कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट इंसान ही जाके प्रेजेंटेशन कर सकता है, डरावा इंसान कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता। और हमारे धंधे में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब घर से नहीं निकलोगे। हाँ, हालांकि आज कोविड है, लेकिन हाँ ये कोविड जाएगा एक दो महीने के बाद, तीन चार महीने के बाद, तो उसके बाद तो जाना ही मुझे ग्राउंड पे। तो मुझे कॉन्फिडेंट होने के लिए ज्ञान को बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई ज्ञान बढ़ेगा तो मेरा हर घंटे में एक प्रेजेंटेशन, हर हफ्ते में 10-12 प्रेजेंटेशन, हर महीने में 100,000 प्रेजेंटेशन, और मेरा चेक बनना शुरू हो जाएगा। एक बार पहिया घूम जाएगा ना साहब, जैसा हम बचपन में साइकिल से भी चलाते थे तो पहले 5-6 पहिए बहुत ताकत लगाने पड़ते थे, बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन एक बार मोमेंटम आ गया, स्पीड आ गया साहब, फिर हमें इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती थी, 2-4 पैंडल मारे तो भी गाड़ी आगे यानी वो अपनी साइकिल निकल जाती थी। सेम बेसिक फंडामेंटल नेटवर्क मार्केटिंग, पहला एक महीना एक प्रेजेंटेशन एक क्लोजिंग बहुत तकलीफ होगी, फिर धीरे धीरे तकलीफ कम, फिर नॉलेज बढ़ी, फिर तकलीफ कम, फिर नॉलेज बढ़ी, फिर तकलीफ कम, फिर नॉलेज बढ़ी, फिर तकलीफ कम, फिर रेशियो बढ़ेगा। और सिर एक दिन आएगा आप पैसे के लिए काम बंद करोगे और हैप्पी बनने के लिए HHI में काम करोगे। और कसम ईश्वर अल्लाह भगवान जो इसको भी मानते हैं, मैं लिख के देता हूं, जिस दिन हैप्पीनेस के लिए काम करोगे साहब, ये HHI आपकी जिंदगी नहीं, आपकी पुश्ते बदल डालेंगी, आपके आने वाले जनरेशन बदल डालेगी। यही फंडामेंटल, यही थॉट संतोष सिंह सर का हमारा रहेगा, क्योंकि नाम ही इतना बढ़िया है। हम पैसा कमाने के लिए नहीं साहब, दुनिया को हैप्पी बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, हम लोगों की हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, उनकी खुशियों के ऊपर बात करेंगे, और इनकम बढ़ते जाएगा। आय का मतलब इनकम भी है साहब, इंडिया की इनकम है। आप हेल्थ के ऊपर बात करो, आप लोगों की खुशियों के ऊपर बात करो, ऊपर वाली महालक्ष्मी बिना बोले आपके घर में घुस जाएगी। आपने एक मांगा थी वो 10 देगी, आप 10 मांगोगे वो 100 देके जाएगी। सिर्फ फोकस हेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर करो साहब, अपने नहीं लोगों के। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, हेल्थ दूसरे की, हैप्पीनेस दूसरे का। और साहब मैं लिख के देता हूं, 100 रुपए के स्टैंप के ऊपर अगले 500 साल आपकी इनकम बढ़ेगी। यही बेसिक फंडामेंटल है। इसी विश्वास के साथ, इसी लगन के साथ HHI के साथ घुल मिल जाइए साहब। मैं मानता हूं प्लान टफ होगा, मैं मानता हूं प्रोडक्ट समझाने में टफ होंगे, लेकिन अपने आप को साहब
इजी करो, आया हूं तो साला कुछ करके ही जाऊंगा, बहुत हो गए बहाने, बहुत हो गए कारण। लेकिन इस कोविड ने साला मेरे को औकात बता डाली, एक ना दिखने वाली चीज ने साला रोड पे लाके मेरे को खड़ा किया। क्या उखाड़ लिया लास्ट 20-25 साल में मैंने, साला बच्चों का फीस नहीं भर रहा पा रहा हूं मैं, 5 बार SMS आ गए, 10 बार साला ईमेल आ गया, 20 बार स्कूल वाले ने फोन किया, हम उसको गाली दे रहे सरकार ने ना बोला है। अरे बच्चा सरकार का नहीं बे, बच्चा तेरा है बे। सरकार को पूछ के नहीं पैदा किया था ना हमने बच्चों को। अरे कोविड को तो हमने नहीं बुलाया था, आ गया अभी, रोने से अच्छा उसको फाइट कर। आज वादा कर अपने आप से, बच्चा मेरा है, सपने मेरे, तो मैं घर में जाऊंगा, लोगों के घर में लोग आने वाले नहीं घर पे जा सकता हूं तो जूम पे लेके आऊंगा मैं, कहीं ना कहीं तो लोगों को इनवाइट करके आऊंगा। चला एक बार नहीं आया तो 10 बार SMS भेजूंगा, 12 बार, नंबर 1 बेइज्जत होकर काम करूंगा, बेशरम होकर काम करूंगा। क्योंकि एक स्कूल का फोन आता है ना तो वो टीचर और जो मांगने वाला है ना इतनी हमारी बेइज्जती कर डालता है, उससे अच्छा कस्टमर का 10 गाली खाऊंगा लेकिन उसको 11 बार SMS भेजूंगा, उसको कहीं ना कहीं तो लेके आऊंगा। मेरा यही कहना है साहब, ये HHI आपके लिए है नहीं, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए है। आज कितने लोग अचानक से इस दुनिया से जा रहे हैं, हम लोग हर दिन एक नई दुख भरी हम कहानी सुन रहे हैं, दुख भरी हम न्यूज सुन रहे हैं। खुदा ना खास्ता उसमें तुम्हारा नाम कल परसों आ जाएगा तो क्या होगा। आज रात सोने से पहले अपने आप से सवाल करो। और मेरा यही कहना है साहब, बिना तकलीफ सक्सेस मिली ना, वो साला सक्सेस ही नहीं है। बिना कुछ किए जय जयकार हो जाएंगे ना साहब, उस जय जयकार में साला कोई कुत्ता नहीं आएगा। ये पवन सर का नाम बार बार ले रहा हूं ना क्योंकि मालूम है 60 लाख चेक करने के लिए साला 60 करोड़ का दर्द झेला होगा। आज भी घूम रहे, घर वाले टेंशन में रहते होंगे कि कहाँ जा रहे, कहाँ खा रहे, कुछ होगा तो नहीं उनको। लेकिन उन्होंने घर वालों की नहीं, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके हैप्पीनेस के बारे में सोचा है। That's why मेरा ये कहना है, जाने से पहले यही कहूंगा और एक्शन लेके जाऊंगा। इस स्लाइड को जिंदगी भर याद रखिए, जब जब कंफर्ट जोन में रहोगे कॉम्प्रोमाइज करोगे और एक दिन कुत्ते की मौत मर जाओगे। जब जब उस कंफर्ट जोन को चैलेंज करोगे, फियर जोन को मार डालोगे, लर्निंग को एक्सेप्ट करोगे, सलाह जिंदगी भर नहीं पुस्तों के पुस्तक सक्सेस मिलती रहेगी। That's why my dear friends, मेरा यही तजुर्बा बोलता है, डर तो कुछ चंद पलों के लिए होता है लेकिन उसका एहसास हमें हर रोज हर रात को मार डालता है। तो आज रात सोने से पहले अपने आप से सवाल करो कि मैं आज नहीं करूंगा तो कब करूंगा, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। खुदा ना खास्ता अगला न्यूज मेरा रहेगा तो मेरे घर वाले कहां जाएंगे, और एक पैसे के लिए मेरी फैमिली रोड पे आएगी, एडजस्ट करती रहेगी, ये मैं नहीं होने दूंगा। क्योंकि यही कोविड में लोग अमीर बने। अरे रिलायंस का मालिक 90 नंबर से 5वें नंबर पे आ गया दुनिया में रिचेस्ट पर्सन पे, क्या उसके लिए कोविड नहीं था? उसने चेंज किया काम करने का तरीका साहब, उसने कंप्लेंट नहीं की, उस चैलेंज को अप्रोचिटी करके काम लिया। तो मेरा यही कहना है कि माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन ले लो। लास्ट के 5 से 10 मिनट आपके साथ हूं, और जाने से पहले यही कहना चाहता हूं, एक्शन क्या करोगे आप? तो एक्शन यही करनी है आज सोने से पहले। ये जो स्लाइड है उसका पिक निकाल के लेगा तो बहुत बढ़िया है। 5 फोन कॉल में नए इंसान के लिए बोल रहा हूं, मैं सीनियर के लिए नहीं बोल रहा हूं। 5 फोन कॉल कर तो मैं नई रेस को करूंगा, मतलब करूंगा मैं उसको HHI नहीं बोलूंगा, उसको मैं हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, उनको मैं जूम पे लेके आऊंगा या मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा या कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम में लेके आऊंगा। एक जूम मीटिंग मेरी टीम में मैं हर हफ्ते में या हर 3 दिन में मेरे टीम साइज के ऊपर मैं लगाऊंगा, मतलब लगाऊंगा। मेरे हर जूनियर को मैं एक प्लान तो प्रेजेंटेशन देने बोलूंगा, मतलब बोलूंगा। यार नया होऊंगा तो मैं 1 से 2 प्लान दिन का करूंगा, मतलब करूंगा। मैं प्लान नहीं बता सकता तो कम से कम मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द लोगों को मैं हेल्थ के ऊपर बात करके 5 से 10 प्रोडक्ट बेचूंगा, मतलब बेचूंगा। मैं 2 नए लोगों को मेरे बिजनेस टीम में लेके आने का मैं काम करूंगा, मतलब करूंगा। क्योंकि जिसकी बड़ी फौज उसकी बड़ी मौज, जितना मेरा वर्किंग हैंड उतना मेरा वर्किंग चेक, और मैं जितने लोगों के साथ काम कर रहा हूं उनका मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। यही मेरा डेली एक्शन फिलहाल रहेगा। क्योंकि जो एक्शन करेगा
उसको ही चेक मिलेगा। जो एक्शन नहीं करेगा उसका चेक नहीं बढ़ेगा। बेसिक फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क है। सब सोचने से बच्चा पैदा नहीं होता, सोचने के बाद एक्शन करना पड़ता है, तभी बाप इंसान बनता है। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, ये डेली एक्शन प्लान करना पड़ेगा। लोग करते एक्शन जरूर है लेकिन उनके अंदर स्पीड नहीं होता, इसके लिए तकलीफ होती है। अगर एक्शन करना है तो उसके अंदर स्पीड होना चाहिए, तो रफ्तार आएगी तो जल्दी जल्दी टारगेट कंप्लीट होंगे। नहीं तो मैं आज 7 बजे उठ रहा हूं, 8 बजे ब्रश करा, 9 बजे नहा रहा हूं और 10 बजे नाश्ता कर रहा हूं, कुछ फायदा नहीं उसका। अगर मैं 7 बजे उठ रहा हूं तो 7:30 को रेडी होकर मैं 7:35 को नाश्ते पे बैठना चाहिए और 8 बजे मेरा कॉलिंग शुरू होना चाहिए। और यही तकलीफ है, 100 में से 80 लोग तो एक्शन करते ही है लेकिन कोई 7 को करता है, कोई 8 को करता है, कोई 9 को, और कुछ तो नमूने ऐसे उनको शाम को 7 बजे पता चलता अरे एक्शन करने का था। तो साफ फायदा क्या, जिसने सुबह 7 बजे किया वो 11 बजे धंधा करके निकल जाता है अगले प्रोस्पेक्टिंग के लिए, और जो रात को 7 बजे एक्शन स्टार्ट करेगा वो 11 बजे नहीं 8 बजे सो जाता है। फिर प्लान कितना भी अच्छा हो, पूरा कितना भी अच्छा हो, सिस्टम कितना भी अच्छा हो, आपके एक्शन में सला स्पीड नहीं रहेगी तो रिजल्ट 200 साल के बाद मिलेगा, चलेगा आपको? तो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, रेशियो बढ़ाओ। अगर आज के पहले 5 कॉल कर रहे थे, आज 7 करो 7 कर रहे तो 9 करो 9 करो तो 11 करो 11 करो तो 12 करो, स्पीड बढ़ाओ। अगर 1 घंटे में कर रहे हो तो उसको 45 मिनट में कंप्लीट करने का काम करो, क्योंकि जितना स्पीड करोगे उतने लोग मिलेंगे, जितने लोग मिलेंगे उतना क्लोजिंग, जितना क्लोजिंग उतना बढ़िया चेक। यही बेसिक फंडामेंटल है माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड, जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि ये नहीं करोगे तो एक दिन इसकी मौत मर जाओगे। कंफ्यूज मत रहो लाइफ में, ये सबसे कंफ्यूज आइटम है। जुड़ तो जाता है, यानी रोड पे आ जाता है, रास्ता क्रॉस करना होता है उसको, रोड क्रॉस करना, आपने देखा होगा ज्यादातर यही इसकी मौत रोड पे होती है, क्योंकि ये आगे बढ़ता है फिर पीछे, आगे पीछे, उसके बीच में उसके ऊपर से कोई तो गुजर जाता है। कभी देखा है बिल्ली को मरते हुए? नहीं देखोगे, क्योंकि बिल्ली एक बार ठान लेती है तो क्रॉस करके निकली जाती है। ये 10 बार सोचता है, 1 बार भी एक्शन करता नहीं, खुद भी कंफ्यूज और दूसरे को भी कंफ्यूज करके मर जाता है। तो लीडरशिप में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, तो ही क्लोजिंग आएगी। पहला जिंदगी में कंफ्यूज लोग साला कुछ कर नहीं सकते। क्लियर हो जाओ, HHI के साथ रहूंगा, करूंगा और जिंदगी भर काम करते रहूंगा। यही मेरी काशी, यही मेरी मक्का, यही मेरा मथुरा, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है और इनकम भी है। लोगों की हेल्थ के लिए काम करूंगा, लोगों के हैप्पीनेस के लिए काम करूंगा, ऊपर वाला मेरी इनकम के लिए काम करता रहेगा। बिना मांगे वो मुझे पैसा भेजते रहेगा, क्योंकि मैं मिशन के ऊपर हूँ। हेल्थ और हैप्पीनेस एक मिशन है साहब। आज की तारीख में कितने लोग पैनिक है, रो रहे घर पे। कुछ लोग तो दिमाग से कोविड हो चुके हैं, उनको जाके आप बहलाओ, उनको इंस्पायर करो। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए आज के तारीख में काम मत करो, थोड़ा अलग मिशन से भी काम करो। आप बोलोगे तो लोग आपको बोलेंगे सर आपको इतना बढ़िया बात है तो कुछ सोल्यूशन तो बताओ, तभी जाके आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट करो। दैट्स व्हाई यही सिंपल फंडामेंटल आप करते रहोगे तो आने वाले दिनों में आपको पैसे के लिए काम कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का ट्रेनिंग में पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। जब भी मैंने शेंडे साहब के साथ बात किया, उन्होंने जब भी मुझे बताया, हालांकि HHI को मैं बहुत सालों से जान रहा हूं, मैं जहां रहता हूं मुंबई ऐरोली में, वहां पे भी बहुत बढ़िया मुंबई में टीम है, तो मैं भी सोच रहा था कभी ना कभी तो मौका मिलेगा कौन सर के साथ बात करने का, संतोष सिंह सर के साथ बात करने का, क्योंकि नाम ही इतना मुझे अच्छा लगा, हैप्पी हेल्थ। और आज लोग उसके लिए जूझ रहे साहब, इनकम के लिए। आपका एक फोन कॉल जाएगा और बोलेगा कुछ नहीं सर, डरो मत, हम आपके साथ है, हमारे प्रोडक्ट आपके साथ है। ये कोविड का बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता। एक डायलॉग साहब उसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है, अब ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। आपका एक एहसास वाले ये लव, सर कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ है, इट बूस्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट से। इतना करने के लिए काम कर साहब। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले यही कहना चाहूंगा और मेरा प्रोग्राम को मैं एंड करना चाहूंगा। आज से कई साल पहले एक सवाल मुझे पूछा गया था जो आपको मैं पूछना चाहता हूं। मुझे पूछा गया था और ये किया था मैंने माय डियर फ्रेंड्स, आप भी करो। आज रात सही में आप 2 बजे रात को उठ जाओ, आपके बाजू में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी माता, आपके पिता, आपके हस्बैंड सुकून से सोते रहेंगे, क्योंकि आप उनके बाजू में हैं। आप है
ये एहसास ही उनको कॉन्फिडेंट बना देता है कि हाँ है मेरे है। और आज संडे रात को आपने 2 बजे करना है, और सही कसम से बोल रहा हूं, सच्ची एचएचआई में नंबर वन बनना चाहता हूं, एक्टिविटी कर रहा हूं, मैंने आज से कई साल पहले की थी, इसलिए उस रात से कभी मैं सोया नहीं, मतलब दिमाग कभी सोया नहीं, बदन सोया होगा, और इसके लिए मैं कल भी काम कर रहा हूं, आज भी करूंगा, परसों भी करूंगा, मरते दम तक करूंगा, क्योंकि काम करने से आदमी कभी मरता नहीं है, काम ना करने से आदमी पागल होकर मर जाता है। आज रात 2 बजे करने के बाद मंडे रात को कसम से अपने आप को आग लगाना चाहता हूं, तो ये करो, रात को मंडे रात को 2 बजे ऐसा सोच के देखो, आज संडे रात 2 बजे में इनके साथ हो, इसके लिए इनके चेहरे के ऊपर सुकून की नींद है, ये खुदा ये भगवान ईश्वर जो भी है वाहेगुरु, और मंडे रात को मैं 2 बजे इनके बीच में नहीं रहूंगा, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरी वाइफ, क्या मेरे माता पिता इसी सुकून के साथ सोते दिखेंगे मुझे, क्या इनके चेहरे पे मंडे रात को इतनी आत्मविश्वास भरी नींद रहेगी, सुकून की नींद रहेगी? नहीं रहेगी दोस्तों। तो मेरा यही कहना है साहब, आपका जाना वापस नहीं ला सकते आपको, आपका फिजिकल प्रेजेंस वो नहीं ला सकते आपको सबको, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं इस जाने से पहले, शायद आज रात खुदा ना खास्ता इस दुनिया को छोड़ के गए, क्या इतना बैंक बैलेंस छोड़ के गए उनके लिए कि अगले 10-20-50 साल बिना किसी के सामने हाथ फैला के वो जी सकते शान की जिंदगी? अगर नहीं आपने बैंक बैलेंस बनाया तो किसने आपको हक दिया आराम करने का, सो बहाने बनाने का, कोविड का नाटक करने का? क्या उखाड़ लिया हमने 20-50 साल में जो हमारे खाते में चला, आज भी 1,00,000 रुपए जमा नहीं, 5-10 लाख रुपए जमा नहीं? रोज हम सुनते साहब 2,000, 20,000, 50,000 के लिए बॉडी नहीं मिल रही है, डॉक्टर के साथ झगड़े चल रहे 1,00,000, 2,00,000 के लिए। क्या किया फिर उस बच्चे ने, क्या किया उस बाप ने लास्ट 15-20 साल में, इसलिए 2,00,000 का बिल नहीं भर पा रहा, इसके लिए उसकी बॉडी नहीं मिल रही है? मेरा गुस्सा इसके लिए आपके ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। मैं कोई एचएचआई का प्लान या प्रेजेंटेशन करने नहीं आया पे आओ, या आपको नहीं बोलने आया हूं कि ये माल बेचो, अपने आप से सवाल करो साला, कितना बैंक बैलेंस तुम्हारा आज के खाते में, खुदा ना खास्ता कुछ आज रात को हुआ या कल कुछ हुआ तो तुम उनके लिए 10-12 करोड़ छोड़ के जाओगे? सवाल करो साहब अपने आप से, क्या किया हमने 10-15 साल में? ये माल, ये प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना है साहब, ये प्रोडक्ट बेचना, प्लान बेचना एक तो बहाना है, असल में एचएचआई जिंदगी बनाने का अफसाना है साहब, जिंदगी बनाने का अफसाना है। इसके लिए आज से काम पे लग जाओ, किसी सीनियर के लिए, किसी जूनियर के लिए, किसी ने बताया इसके लिए काम करने से सक्सेस नहीं मिलती, अपने अंतरात्मा से जिस दिन सोचोगे ना यही मेरा जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम है, इसके लिए साहब दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कभी थकान नहीं आएगी, लोगों के चेहरे की खुशी देख के साहब आप 240 की एनर्जी आपके अंदर जाएगी। मैं इसके लिए आपके सामने आया था, इसके लिए मैंने अपील किया था आपके बच्चों के साथ बैठे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बोलते हैं ना 30 साल कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा, या एचएचआई में 3 साल कुत्ते जैसी मेहनत करो साहब, अगले 300 साल आप और आपकी फैमिली शेर जैसी जिंदगी जिएगी, यही वादा करके मैं ट्रेनर संतोष सकपाल फिलहाल आज के लिए यहाँ पे रुकना चाहता हूं। और मुझे यकीन है जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं आज एचएचआई के साथ जिंदगी भर देते रहेंगे, क्योंकि हेल्दी उन्हें भी होना है, हेल्दी औरों को भी बनाना है, हैप्पी उन्हें भी होना है, हैप्पी दूसरों को बनाना है, हैप्पी हेल्दी आप बनो, दुनिया को बनाओ, इनकम अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। और जाते जाते यही कहूंगा और मेरी आज के इस प्रोग्राम का मैं एंड करूंगा। फिर से एक बार मैं पूरे एचएचआई टीम, पूरे मैनेजमेंट और सारे सीनियर्स, और मैं शेंडे साहब का नाम लेना चाहता हूँ, मैं पवन सर का नाम लेना चाहता हूँ, आशीष सर का नाम लेना चाहता हूँ, हमारे सीईओ सर संतोष सर, और मैं जिनको कल सुन रहा था हमारे डॉक्टर साहब, इन सारे लोगों को और जिनका नाम शायद मुझे पता नहीं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके साथ कनेक्ट होने का, कम्युनिकेशन करने का, और मेरी एक्सपीरियंस को मैंने मेरे आपके साथ शेयर किया है, चंद बातें मैंने आपको कही है। तो चेंज लाइए जिंदगी में, तो उसको कंसिस्टेंट करने के लिए नॉलेज लाइए, स्किल लाइए, कनेक्शन में रहिए,
और ये कोरोना से भयंकर भरोना अभी चलने वाला है, चलते रहेगा, उसको मारने के लिए आपको अपनी चीजों को ग्रैब करना पड़ेगा। आपको ना कामली बनना है, ना किसी और जैसे बनना है, आपको अपने धंधे का सचिन बनना है, फोकस करना है, स्किल को एक्वायर करना है, रोज अच्छे से एंजॉय के लिए काम करना है। और चार सर्कल मैंने बताया, कंफर्ट जोन से फियर जोन में, फियर जोन से लर्निंग, और लर्निंग से आपको ग्रोथ में आना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा। कुत्ते की मौत नहीं मरनी है, शेर की जिंदगी जीनी है। तो यहाँ पे 3 साल तहे दिल से लगन से काम करना है, और ये करोगे इसी विश्वास के साथ, इस चंद पंक्तियों के साथ आज का प्रोग्राम मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। जरा गौर फरमाइए, गुजर जाएगा दौर ये भी, गुजर जाएगा दौर ये भी, जब खुशियां ही नहीं ठहरी दोस्तों, तो इन गमों की क्या औकात है, इन क्या गमों की औकात है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो हैप्पी, गो हेल्थी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू ऑल, ऑल टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू संतोष जी, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम आज का रहा, आपने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को छुआ, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनना है, खुद में चेंज कैसे लाना है, और 80-20 का जो रूल आपने सबके सामने रखा, तो इससे भी कई सारे लोग, यानी जो